हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज सोहन गुप्ता, करंटली फर्स्ट प्रॉप स्टूडेंट एट किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ। आई स्कोर ऑल इन रैंक ऑफ 3587 इन नीट 2K22। सो गाइज, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में अपने नीट की जर्नी के बारे में डिस्कस किया था, और जो है आप लोगों के बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आपको जो भैया जो है एक यकीन बैच का जो है टाइम टेबल के बारे में बता दीजिए, आप कैसे पढ़ते थे, आपके जो है पढ़ने का तरीका कैसा था, और फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो को कैसे मैनेज करते थे, और इवन जो आपके क्वेश्चन आ रहे थे कि भैया जो है आप रिकॉर्डेड लेक्चर देखते थे या ऑनलाइन पढ़ते थे आप, और जो है कैसे मैनेज करते थे रिकॉर्डेड मतलब लेक्चर को कैसे मैनेज करते थे, और जो फिर से रिवीजन और डीपीपी सॉल्विंग का, जैसे कि आप लोग मैं बोल रहे थे कि बहुत से मतलब कि मुझे टाइमिंग लग जाता है, डीपीपी सॉल्व नहीं होती है मुझसे, और जो है मैं मैनेज नहीं कर पाता हूँ आपको वीडियो लेक्चर, बहुत ज़्यादा समय लग जाता है वीडियो लेक्चर बनाने देखने में, फिर उसके नोट्स बनाने में, और फिर रिवीजन करने में मैनेज नहीं हो पाता है। तो गाइज, ये वीडियो स्पेशली जो है ऐसे स्टूडेंट के लिए है जो अभी कुछ मार्क्स आपका जो है 2023 में रुक गए हैं, ठीक है, और वो भी बच्चे जो स्टूडेंट देख रहे हैं जो अभी फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं या अभी जो है PW ज्वाइन किए हैं, यकीन बैच ज्वाइन किए हैं, ठीक है, यकीन 2.0 बैच ज्वाइन किए हैं, और जो उनको अभी नहीं पता कि कैसे उनको जो है आपके नोट्स बनाने हैं, आपको जो है लेक्चर को कैसे मैनेज करना है, और रिवीजन कैसे मैनेज करना है, टेस्ट को कैसे फॉलो करना है, ठीक है, और टेस्ट के एनालिसिस कैसे करनी है, जो क्योंकि यार आप जो पेपर देते हो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका टेस्ट की एनालिसिस भी होती है, ठीक है, आपको लेक्चर देखना तो इंपॉर्टेंट है लेकिन उसके साथ रिवीजन करना और टेस्ट देना, मॉक टेस्ट देना, उसके एनालिसिस करना, कहाँ आप गलती कर रहे हो, कहाँ एरर कर रहे हो, सिली मिस्टेक पे अपना जो है सिली मिस्टेक को प्रिवेंट करना और नहीं जो है इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस वीडियो में अपने जो है यकीन बैच के टाइम टेबल के बारे में डिस्कस करूंगा कि मैं कैसे यकीन बैच को फॉलो किया था, ठीक है, मैं 2021 में भी फॉलो किया था, बट जो है 2021 में जो है मेरे OMR जो है फिलिंग जो है मैं भूल गया था, जिसकी वजह से मेरा जो है सिलेक्शन नहीं हो पाया था, ठीक है, नहीं तो लास्ट ईयर ही मेरा सिलेक्शन हो गया था 2021 में ही, क्योंकि 2021 में मेरे 636 मार्क्स बन रहे थे अगर मैं OMR फिल किया रहता तो, ठीक है, लेकिन उस साल में मैंने जो है यकीन बैच ही ज्वाइन किया था, ठीक है। तो मैं उस साल के आपको नहीं बताऊंगा कि मैं उस साल क्या ही मतलब कैसे मैं पढ़ता था, क्योंकि उस साल का पढ़ना जो है 2022 में पढ़ना सिमिलर ही था, ठीक है, क्योंकि उस साल भी मैं अगर पढ़ा था तो यकीन बैच से ही पढ़ा था, ठीक है, और ऑफलाइन जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था, ठीक है, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज जैसे कि आपका जो है PW का टेस्ट में तो देता ही था, और साथ ही साथ मैं ऑफलाइन टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन किया था अपने 2022 में, ताकि जो है मैं जो गलती पिछली बार किया था OMR में इस बार जो है नहीं करना चाहता था, ठीक है। तो गाइज, इस वीडियो में जो है बताएंगे आपको कि आपको कैसे यकीन बैच को फॉलो करना है, ठीक है, टेस्ट सीरीज कैसे देनी है, आपको नोट्स कैसे बनाना है, वीडियो लेक्चर कैसे देखना है, उसको टाइम मैनेज कैसे करना है, ठीक है, और कैसे जो है क्वेश्चन को टैकल करना है, ठीक है, इस वीडियो में सब डिस्कस करेंगे। अगर तुम फ्रेशर हो और या ऐसे ड्रॉपर हो जो कुछ मार्क्स से 10-50 मार्क्स रुक गया हो अपने सिलेक्शन में, तो वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, ठीक है। इसमें मैं अपना टाइम टेबल बताऊंगा कि मैं कौन सा टाइम टेबल फॉलो किया था जिससे मेरा जो है आपका 655 मार्क्स जो है 2K22 में आया था, ठीक है। अगर तुम इस ये जो टाइम टेबल मैं बता रहा हूँ अगर तुम वैसे ही फॉलो करते, देखो अलग अलग स्टूडेंट का जो अलग अलग क्राइटेरिया होता है और स्ट्रेटेजी होता है फॉलो करने का टाइम टेबल, बट जो है अगर तुम जैसे मैं अपना टाइम टेबल बता रहा हूँ तो अगर तुम्हें पसंद आए, तुम अगर ये टाइम टेबल तुमको पसंद आ रहा है, स्ट्रेटेजी पसंद आ रहा है, तो तुम इसको फॉलो कर सकते हो। मैं गारंटी देता हूँ अगर तुम जैसा मैं बता रहा हूँ अगर तुम वैसे पढ़ते हो, ठीक है, वैसे नोट्स बनाते हो, वैसे वीडियो लेक्चर देखते हो, उतना डीपीपी सॉल्व करते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस वैसे करते हो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की एनालिसिस करते हो, ठीक है, और जहाँ सिली मिस्टेक हुआ, जहाँ एरर की हो, ठीक है, उसको तुम फिर से अपने सबकॉन्शियस माइंड में लाते हो, पढ़ते हो उसको, फिर उसको सिली मिस्टेक कम करोगे डे बाय डे, तो सिली मिस्टेक तुम्हारा कम होने लगेगा, ठीक है। अगर तुम इस चीज़ को फॉलो करोगे तो जरूर तुम्हारा जो है सिलेक्शन जो है 2024 में पक्का हो जाएगा, ठीक है। ये कोई अगर तुम सोच रहे हो कि तुम्हारे पास 300 मार्क्स है अभी, जस्ट भैया मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, यकीन बैच अभी जस्ट लिया हूँ, या कहीं से भी एलएन से या खास से पढ़ रहा हूँ, ठीक है, अगर तुम फ्रेशर हो तो ऐसा सोचने की जरूरत नहीं है कि भैया जो है सिलेक्शन होगा नहीं होगा। अगर तुम जो चाहे कहीं से पढ़ो, चाहे ऑफलाइन पढ़ रहे हो, चाहे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, अगर तुम जो भी टीचर्स तुमको पढ़ाता है अगर तुम उनके जो है नोट्स को प्रॉपर नोट्स बनाते हो, उनको वीडियो लेक्चर को या नोट्स अच्छे से क्लास अटेंड करते हो, DPP सॉल्व करते हो, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, और जो मॉक टेस्ट रेगुलर देते हो, जब भी मॉक टेस्ट होता है रेगुलर मॉक टेस्ट देते हो, उसके एनालिसिस करते हो, तो पक्का गारंटी जो है फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन जाएगा, ठीक है। बहुत से मेरे दोस्त हैं यार जो फर्स्ट अटैम्प्ट में जो सिलेक्शन लिए हैं, ठीक है, तो मैं भी उनसे सीखता हूँ यार कैसे मतलब कि, क्योंकि मेरे जो कई ड्रॉप में जैसे मैं अपनी जर्नी बताया था कि मेरे जो बहुत सारे ड्रॉप्स हो गए थे, और ड्रॉप होने के रीजन मैंने बताया है, ठीक है। अगर तुम्हारे भी बहुत सारे ड्रॉप हो चुके हैं, अगर तुम मोटिवेशन लेना चाहते हो मेरी जर्नी से, तो तुम वीडियो पे जाके देख सकते हो, ठीक है। तो गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और
मैं सबसे पहले जो है तुम्हें बता दूं कि मैं जो है रिकॉर्डेड लेक्चर देता था, ठीक है। मेरे पढ़ने का तरीका यह था, मैं रिकॉर्डेड लेक्चर देखता था, ठीक है। मैं जो है रात में नहीं पढ़ पाता था यार, मैं शुरू से मैं सुबह मॉर्निंग में पढ़ता हूँ और आपका 10-11 बजे तक मैं सो जाता था। तो मैं जो सुबह मॉर्निंग में जो पढ़ने का तरीका था, मैं थ्री आवर जो था मैं बायोलॉजी को देता था, और 2 घंटे जो है आपका जो है केमिस्ट्री को देता था, और फिजिक्स को जो है 3 घंटे देता था। फिर जो है आपको वीडियो लेक्चर के देखने के साथ साथ जो है मैं उसको प्रॉपर नोट्स बनाता था। तो नोट्स में मैं ज़्यादातर जो है केमिस्ट्री और फिजिक्स का बनाता था, ठीक है, मतलब अच्छे से बनाता था। और बायोलॉजी के लिए जो है नोट्स बनाता था, लेकिन उतना अच्छे से नहीं बनाता था, प्रॉपर नोट्स मतलब उतने बेटर तरीके से नोट्स नहीं बनाता था, क्योंकि मैं ज़्यादातर जो है एनसीईआरटी को फॉलो किया था। तो मैं वीडियो लेक्चर में एनसीईआरटी को मतलब एनसीईआरटी लेके बैठता था, और जो सर पढ़ाते थे, सर भी जो पढ़ाते हैं वो आपको एनसीईआरटी लाइन मार्क कराते रहते हैं, तो उसको अंडरलाइन करता था, और जो भी एक्स्ट्रा चीज़ें जब बताते थे तो उसी में एनसीईआरटी में मैं लिख लेता था। तो टोटल टाइम जो मैं तुम्हारे जो वीडियो लेक्चर में देता था वो 8 आवर देता था, ठीक है। उसके बाद आता है तुम्हारा डीपीपी और क्वेश्चन प्रैक्टिस। डीपीपी और जो हर वीडियो लेक्चर के बाद तुमको डीपीपी मिलता है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिलता ही मिलता है, जो कि आपको करना ही चाहिए। कभी ऐसा नहीं सोचना चाहिए बाद में कर लूँगा, ठीक है, उसी समय तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस करो। तो बायोलॉजी में जो है क्वेश्चन में प्रैक्टिस में 20 से 22 मिनट मैं आपको देता था। वेरी करता है स्टूडेंट स्टूडेंट कि आप फ्रेशर हो कि ड्रॉपर हो। अगर ड्रॉपर हो तो कम समय लगता है, फ्रेशर हो तो ज़्यादा समय लग जाता है। तो कोई वैसा नहीं है कि 20 मिनट बोलते तो 20 मिनट, आप 40 मिनट भी दे सकते हो, शुरुआती है स्टार्टिंग है तो आप दे सकते हो। फिजिक्स में जो है 40 से 45 मिनट 1 घंटा, और केमिस्ट्री में 40 से 45 मिनट। फिर आता है सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है आपका सेल्फ स्टडी और रिविजन। बिना सेल्फ स्टडी के बिना रिवीजन को आप सिलेक्शन नहीं ले पाएंगे, गारंटी नहीं ले पाएंगे। कोई स्टूडेंट कहता है कि मैं बिना सेल्फ स्टडी किए पास हो जाऊँ, तो हो ही नहीं सकता। कितनी भी अच्छे टीचर्स आप पढ़ लो, बिना सेल्फ स्टडी के आप नहीं पास हो पाओगे, तो नहीं पास हो पाओगे, ठीक है। तो सेल्फ स्टडी में मैं जो है आपका फिजिक्स को 1 घंटा देता था, केमिस्ट्री को भी 1 घंटा देता था, और बायोलॉजी को भी 1 घंटा देता था। तो ऐसा नहीं कि आपका जो है मैं एक ही घंटा सबको देता था, वेरी भी करता है कि किसी दिन मान लीजिए बायोलॉजी ज़्यादा पढ़ लेता था, किसी दिन केमिस्ट्री पढ़ लेता था, किसी दिन फिजिक्स भी ज़्यादा पढ़ता था, ठीक है। मैं कोशिश करता था कि फिजिक्स को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा सा फिजिक्स वीक था, ठीक है। तो टोटल जो तुम्हारा जो है 3 आवर जो है इन अ डे मैं जो है रिवीजन में तुम्हारा जो है देता था। फिर संडे के जो संडे के जो डे होता है यार, वो प्रोडक्टिव डे होता है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि उसमें, क्योंकि उसमें आपको पूरा दिन मिलता है, क्योंकि उस दिन आपको जो क्लासेज ऑफ रहती हैं, ठीक है। तो उसमें जो आपका संडे के दिन आपको टेस्ट होता था, हर संडे को मैं मॉक टेस्ट देता था, ठीक है। अगर मान लीजिए पीडब्ल्यू का जब किसी दिन अगर टेस्ट नहीं भी रहता था, तो मैं खुद से जो है एलएन आकाश का जो है टेस्ट सीरीज जो है टेलीग्राम से डाउनलोड करके उस समय मैं देता था। फिर मैं एक मॉक टेस्ट देता था, और जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात, मॉक टेस्ट देने के बाद मैं उसकी जो है क्वेश्चन की एनालिसिस भी करता था कि यार कहाँ मैं गलती किया हूँ, क्योंकि लास्ट जो है हर जितना भी ईयर टॉप में रह गया था उसमें मैं सिली मिस्टेक किया था, बहुत सिली मिस्टेक किया था। इवन जो है माइटोसिस दिया लिखा था तो मियोसिस पढ़ लेता था, तो ऐसे बहुत ही माइनर सिली मिस्टेक मुझसे हुए थे। तो मैं 4 से 5 घंटा आपका जो है आपका टेस्ट में चला जाता था, 3 घंटे तो आपको पेपर देने में, और जो है 1 से 2 घंटा आपको जो है टेस्ट या एनालिसिस करने में, जो कि मैं करता था या बाकी बच्चों करते हैं नहीं करते हैं मुझे नहीं पता। फिर आपका जो है रिवीजन में क्या, संडे के दिन क्या करता, जो मैं आपका जो उस वीक में मैं मंडे टू थर्सडे सैटरडे जो मैं पढ़ा रहता था उसका जो है फिर से प्रॉपर रिवीजन करता था, क्या क्या इस हफ्ते मैंने पढ़ा है, ठीक है। और जो लास्ट वीक में जो मैं टेस्ट दिया था फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में जो भी क्वेश्चन मुझे एरर हुए थे, ठीक है, एक बार मैं उससे गोथ्रो होता था, ताकि मुझे वो जो है क्वेश्चन जो एरर हुए हैं वो सब कॉन्शियस माइंड में चले जाएँ, ताकि अगली बार जब भी मैं टेस्ट दूँ या इवन नीट एग्जाम में जब भी क्वेश्चन मेरे आए तो मुझसे जो है लग जाए कि हाँ यार ये क्वेश्चन मैं यहाँ गलती किया था, ये क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होगा, ठीक है। तो यार बहुत आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बताने वाला हूँ कि टाइम टेबल मैं कौन सा फॉलो करता था, कि मेरे पढ़ने का तरीका कैसा था, मैं किस टाइम पे पढ़ता था और कैसे पढ़ता था, ठीक है। रिवीजन करने का टाइम क्या था, पढ़ने का टाइम क्या था, मॉड्यूल लगाने का टाइम क्या था, डीपीपी लगाने का टाइम था क्या था। तो देखो जो मैं जो रात में नहीं पढ़ता हूँ, जैसा कि मैंने बताया मैं सुबह पढ़ता था, तो सुबह 5 से 8 जो है आप सुबह उठते हो फ्रेश, तो मैं सुबह उठते तुरंत पढ़ने नहीं पड़ जाता, सुबह उठ के मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज करता था, ज़्यादा नहीं 10 से 5 मिनट में एक्सरसाइज करता था, ताकि जो है नींद मेरे अच्छे से खुल जाए, ठीक है। तो 5 से 8 मैं बायोलॉजी पढ़ता था, फिर 8 से 10 जो है तुम्हारा केमिस्ट्री पढ़ता था, ये रिकॉर्डेड लेक्चर में देखता था, लेक्चर की बात कर रहा हूँ। फिर 10 से 1 जो है तुम्हारा फिजिक्स में पढ़ता था, ये जो है बीच बीच में मैं गैप लेता था, नहीं लगातार नहीं पढ़ता, बीच में थोड़ा सा 10-5 मिनट गैप भी लेता था। गैप में क्या करता था, मैं मोटिवेशनल वीडियो देखता था, ठीक है, ऐसा नहीं कुछ भी मैं वीडियो मोटिवेशन ज़्यादातर मैं मोटिवेशन वीडियो देखता था, ताकि जो है दिमाग में मेरे जो है स्टडी ही चलता रहा। फिर जो है तुम्हारा 1 से 2 के बीच में मैं ब्रेक लेता था, उसमें आपका खाना खाता था या जो भी टीवी वी जो है खाना तो खाता था, साथ में टीवी भी देख लेता था, ठीक है। फिर जो फिर आपका जो है 2 से 3 में क्या करता था, बायोलॉजी का जो है डीपीपी, सबसे पहले मैं बाल जो मेरे पढ़ने का तरीका था उसमें सबसे पहले मैं बायोलॉजी पढ़ता था, उसके बाद केमिस्ट्री और फिर फिजिक्स। तो फिर जो है 3 से 4 जो है तुम्हारा केमिस्ट्री पढ़ता था, फिर 4 से 5 जो है
फिजिक्स की डीपीपी, मतलब कि ये डीपीपी की बात कर रहा हूँ मैं, डीपीपी सॉल्व करता था। ये जो है ऐसा नहीं कि दो से तीन, तीन से चार, चार से पाँच, आपका 10-15 मिनट आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि जब सॉल्व करोगे तो उसके बीच में ब्रेक भी लोगे, ठीक है। कुछ कोर्स मान लो किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में ज़्यादा समय लग जाता था, ठीक है, तो उसमें समय लग जाता था, तो मैं वैसे मैनेज करता था, आगे पीछे जिसमें समय लगता था उसमें अगले वाले में कम देता था समय। फिर तुम्हारा जो है 5 से 7 के बीच में, 5:30 के बीच और 7 के बीच में गैप देता था, उसे मान लीजिए दोस्तों से मिलना हो गया, बातचीत फैमिली में, मतलब कि मौज मस्ती जो भी टाइम पास करना होता है, ताकि आपका जो है एक रिफ्रेशमेंट मिल पाए और फिर आप आगे जो है पढ़ पाए। फिर अब तुम्हारा जो है 7 से 8 जो है फिर बायोलॉजी का रिविजन करता था, फिर 8 से 9 से 10 जो है, मतलब कि 8 से लेकर 9 बजे तक केमिस्ट्री पढ़ता था, फिर 9 से 10 जो है, 9 से 10:30, मतलब कि ये जो है 9:10 से लेकर 10:30 तक जो है फिजिक्स पढ़ता था। ये जो मैं 10-10 जो गैपिंग दिया हूँ, इसका मतलब ये कि बीच में मैं एक ब्रेक भी लेता था, लगातार नहीं पढ़ता था, ठीक है। बीच में ब्रेक में मतलब कि कुछ भी, मतलब कुछ सोच लो या पिछला जो है जो पढ़े हैं डीपीपी उसको रिकॉल कर लो, ठीक है। तो एक एक घंटा जो है ये हो गया, ठीक है। उसके बाद जो है तुम्हारा जो, मैं जो तुम बताया हूँ कि रात में मैं ज़्यादा देर नहीं जग पाता था, तो मतलब मैक्सिमम जो है 10 से 11 तक मैं पढ़ता था, तो 10 ये जो है मैं इतना ऐसे पढ़ता था और रिवीजन करता था, ये मेरी जो है टाइम टेबल थी, ठीक है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यार, अगर तुम मेरे ये जो मैं टाइम टेबल तुमको बताया हूँ, ठीक है, अगर तुम इसको फॉलो करते हो या तुम ऐसे फॉलो कर रहे हो, ठीक है, रेगुलर अगर तुम यकीन बैठते हो, ठीक है, अगर तुम जो सर डीपीपी दे रहे हैं, जो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा रहे हैं, ठीक है, उनको रेगुलर पढ़ रहे हो, उनको रिविजन कर रहे हो, ठीक है, रेगुलर टाइम पे, ठीक है, अगर तो पक्का तुम्हारा जो है फर्स्ट अटैम्प में, या जो अगर तुम्हारे 10, 50, 100 नंबर से भी सिलेक्शन रुक रहे हैं, तो पक्का तुम्हारा गारंटी तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, ठीक है, और भी टॉप कॉलेज में सिलेक्शन होगा, ठीक है। बस तुम्हें जो प्रॉपर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, रेगुलर मॉक टेस्ट देना है, मॉक टेस्ट देने के बाद जो है उसका एनालिसिस जरूर करना, क्योंकि ये मैं शुरुआत टाइम में क्वेश्चन प्रैक्टिस में करता था लेकिन एनालिसिस नहीं करता था। फिर मैं तुम क्या बताऊँ, मैं फिर से वही जो क्वेश्चन आया था पहले, मान लो मैं पेपर दिया आज, आज ये क्वेश्चन आया मुझसे गलत हुआ, फिर नेक्स्ट पेपर हुआ तो मान लो बाई चांस वो भी वही क्वेश्चन आ गया, तो मैं फिर से वही गलती कर देता था, क्योंकि मैं एनालिसिस करता नहीं था, तो और फिर वो मेरे दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में था ही नहीं, तो मैं फिर से भूल जाता था, तो फिर से वही गलती करता था। इसलिए आपको जो है बार बार उसको रिपीट करना है, रिवीजन करना है, ठीक है, संडे को डे को जो प्रोडक्टिव बनाना है, ठीक है। तो ऐसे अगर तुम पढ़ते हो तो जरूर तुम्हारा जो है अच्छे मार्क्स आएंगे, ठीक है, ये मेरा जो टाइम टेबल था, ठीक है। अब अगले वीडियो में तुम्हें बता दूंगा कि मेरा जो है और मैं कैसे जो है आपका जो है और बायोलॉजी को, केमिस्ट्री को और फिजिक्स को पढ़ने का स्ट्रेटजी क्या था, कैसे मैं एनसीईआरटी पे कैसे पढ़ता था, एनसीईआरटी को कैसे फॉलो करता था, कैसे अंडरलाइन करता था, किन इंपॉर्टेंट चीज़ों को मैं आपको जो है एनसीईआरटी में लिखा हुआ था, मतलब कि जो है एनसीईआरटी को कैसे पढ़ाया जाता है एक्चुअली में, ठीक है। क्योंकि मेरे जो है आपका बायोलॉजी में जो 330 थे, केमिस्ट्री में 165 और फिजिक्स में केमिस्ट्री में 160 थे और फिजिक्स में 165 थे, ठीक है। तो आखिर में कैसे इतना मार्क्स आया था, क्योंकि पेपर जो बन रहा है एनसीईआरटी बेस्ड बन रहा, तो मैं एनसीईआरटी को कैसे पढ़ा था उस अगले वीडियो जो है उसी पर होगी, ठीक है। तो चैनल पर नया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और कोई भी क्वेरीज होती है नीट्स रिलेटेड तो मुझे कमेंट कर सकते हो, और टेलीग्राम चैनल पे और जो है इंस्टाग्राम हैंडल पे भी तुम मुझे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। सो स्टे ट्यून्ड एंड फॉलो फॉर मोर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।